हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम इकोनॉमिक्स आईएससी के सेकंड सेक्शन पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब इस जगह पर ये बात समझनी है कि हमें इनका आंसर्स कैसे देना है। बेसिकली इनके आंसर्स तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप इसको डायग्राम से मेंटेन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन को देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को ध्यान से देखें जिससे कि डायग्राम और एक्सप्लेनेशन को आप समझ सकें। यहाँ पे लिखा है, इट इज क्लेम्ड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव देयर इफिशियंसी। एंड क्वेश्चन थोड़ा सा शायद शॉर्ट हो गया है। यहाँ पर एक चीज और भी थी कि ये हमारे सप्लाई को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो आपको पता है कि अगर हमारी इफिशियंसी इम्प्रूव कर रही है तो हमारी जो सप्लाई है वो प्लस हो जाएगी, और ये चूंकि फैक्टर चेंज है इसलिए हमारे प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, यानी कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हमारी फॉल करेगी, प्रोडक्शन इसके कारण हमारा प्लस करेगा, प्रोडक्शन प्लस हो जाएगा और इसके रेशियो से प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इंक्लूडिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या होगा, ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट देन इंटरनल इकोनॉमीज विल बी इफेक्टिव एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will be great, production will be greater, not cost of production, production will be greater and lower cost of production होगा, as a supply curve will shift to the rightward, so profit will be increased, because firm will have better technology to produce goods at cheaper cost of production. We all know that any reduction in cost, हम सभी जानते हैं कि अगर cost में कोई reduction आता है तो it will lead to the production, extra production and profit will be greater than before. Means, जैसे कि हमारा प्राइस जहां कहीं भी था, इस चीज को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो जो हमारा ओ एक्स एक्सिस है, जो ये एक्सिस है, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है और ओ वाई एक्सिस पर हमारा प्लॉट है, क्या हमारी प्राइस की प्लॉटिंग है। आप डायग्राम को फिर से इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और हमारा पी पॉइंट पर पहले प्रोडक्शन है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पी, और यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगी, क्यू। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन की ओर चली जाएगी, क्योंकि सेम प्राइस पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगेगा, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, एज अ रिजल्ट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई के लिए आपका दूसरा कर्व आ जाएगा, ये हमारा एस एस होगा और ये हमारा एस वन एस वन होगा। इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ के लिए, और ये जो पूरा एरिया है, जैसे कि मैं अब ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एरिया एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, एंड दिस सप्लाई विल गिव एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड इफ एनी पॉजिटिव चेंजेस इन प्रोडक्शन। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन यहां पर है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी एट रुपीज 8, यानी हमारा रुपीज कितना है 8 एंड क्वांटिटी इज 100। नाउ प्राइस राइजेस, हियर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइस राइज किया हुआ है, एज अ रिजल्ट मार्केट डिमांड ऑफ दिस फॉल्स टू द 75 यूनिट। सो फाइंड आउट न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। सो यहां पर हम इस फॉर्मूले को आपके नॉर्मल टाइप में लिख सकते हैं, और यहां पर फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। अब यहां पर इस बात को समझना है कि जहां पे डेल्टा क्यू है, ये हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, जो कि ओल्ड क्वांटिटी या न्यू क्वांटिटी को डिडक्ट करके निकलेगा, वेयर डेल्टा पी इक्वल टू ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस होगा, और पी ओल्ड प्राइस है और क्यू हमारी ओल्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, यहां पर अब आप देखें तो हियर डेल्टा क्यू इक्वल टू ओल्ड क्यू हमारा 100 था, 75 न्यू क्यू था, तो डेल्टा क्यू हमारा कितना निकल के आया, 25। नाउ डेल्टा पी, दिस इज टू बी फाइंड आउट, ये हमें निकालना है।
ओल्ड पी कितना है 8 एंड ओल्ड क्वांटिटी कितनी है 100, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। सो इसे हम जब प्लॉट करेंगे डायग्राम में, हम अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर हम -25 लिखेंगे क्योंकि डिमांड माइनस हुई है, यहां पर ये डिमांड माइनस हुई है, 100 से डिमांड 75 गई है, एज अ रिजल्ट -25 विल बी हमारा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू हमारा -25 होगा। तो यहाँ पर अब हम इसे काट देते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे काट दिया जाएगा, इस 25 से इसको काटेंगे ये 4 आ जाएगा और इसको 8 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यानी -1 इक्वल टू -2 बाई डेल्टा पी। अब डेल्टा पी को इधर हम रोक लेंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 आएगा, ये हमारा डेल्टा पी आया है, चेंज इन प्राइस आया है। अब क्या है स्थिति, हमारा प्राइस हैज बीन चेंज्ड एंड डिमांड हैज फॉलन, व्हिच इंप्लाइज दैट प्राइस हैज अ पॉजिटिव चेंज, एज अ रिजल्ट ओल्ड प्राइस वाज 8 एंड न्यू प्राइस विल बी, न्यू प्राइस विल बी, यहाँ पे न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, सो न्यू प्राइस यानी न्यू प्राइस हमारा 10 हो जाएगा, जिस पर की न्यू क्वांटिटी हमारी 75 डिमांड की जा रही थी। सो आई थिंक दिस न्यूमेरिकल हैज बीन आल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यहाँ पर आप देखें व्हाट डज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट इंप्लाई, फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट डज जीरो डिफरेंस मींस इन दिस केस। सो वी कैन कैलकुलेट, आंसर को देखेंगे, वी कैन कैलकुलेट फाइनेंशियल डेफिसिट बाय यूजिंग फॉर्मूला मेंशन्ड बिलो, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जिसे हम TE कहते हैं एंड माइनस TR होगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग को हम अपनी इनकम नहीं मानते, लेकिन अब इस तरीके से फिजिकल डेफिसिट डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में, जबकि टोटल रेवेन्यू में बोरोइंग को हम एक्सक्लूड करते हैं, एंड प्राइमरी डेफिसिट कैन बी डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट इनटू फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जो हमारा निकला होता है, फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। हियर इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट अब है क्या, इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स ऑन इट्स बोरोइंग टू द क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ने जितना पहले से पैसा ले रखा है उस पर जो ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ इंटरेस्ट पेमेंट। इफ जीरो डिफरेंस इज देयर इट मीन्स गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी लोन फ्रॉम क्रेडिटर्स, मीन्स गवर्नमेंट पर कोई भी बर्डन नहीं है, गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो जीरो है, बिकॉज गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है एंड नो इंटरेस्ट पेमेंट इज डन फॉर लोन। जीरो डिफरेंस इन दिस वे, जीरो डिफरेंस मीन्स गवर्नमेंट रिसोर्ट टू बोरोइंग ओनली द क्लियर एग्जिस्टिंग बैकलॉग ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी बैकलॉग नहीं है, इट इज नॉट एडिंग टू द एग्जिस्टिंग लोन फॉर एनी अदर पर्पज मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन टू द इंटरेस्ट पेमेंट, इट इज अ साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, इट मीन्स गवर्नमेंट एक अच्छे उसमें है, ये एक गुड सिंबल है, ये एक अच्छा मार्क है गवर्नमेंट का। ऑन द कॉन्ट्रेरी हायर प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट मीन्स गवर्नमेंट इज अंडर डेट, अगर हायर फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट का डेट बर्डन दिखाता है। क्लियर, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, इन सम सिचुएशन गवर्नमेंट मे कंसिडर टू एडिशनल स्पेंडिंग टू फाइंड इन्फ्लेशन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, आई वॉन्ट टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन बिफोर दिस, सो आई वॉन्ट टू मेक इट वन साइड, यू मस्ट नॉट नो, मस्ट हैव नोन अबाउट फिलिप कर्व, सी हियर इज फिलिप कर्व जिसे कि हम पीसी बोलते हैं, फिलिप कर्व, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ ओ, यहाँ एक्स, यहाँ वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये हमारा जो होता है लॉन्ग रन आपका कर्व होता है। अब यहाँ पे फिलिप कर्व जो होता है वो हमारा इस तरीके से, यहाँ पर पीसी ऐसे बनता है। अब ये जो है नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर हमारा इन्फ्लेशन होता है, यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहती है, अगर वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहती है तो ऑब्वियस है फिलिप कर्व ये दिखाता है कि यहां पर जीरो डिग्री, ये नायरू कहलाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर गवर्नमेंट अगर हायर इन्फ्लेशन रेट लेना चाहती है तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ
इन्फ्लेशन टारगेट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन सहना पड़ेगा। यानी या तो हम इन्फ्लेशन को कम करें, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है हमें फिर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का। ये हमारा फिलिप कर्व शो करता है। फिलिप कर्व का यही कॉन्सेप्ट है जो शो करता है कि लॉन्ग रन में फिर आपका यहीं पर आ जाएगा मार्केट, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो ऐसे में कंडीशन यह है कि क्या और ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या इन्फ्लेशन होने की दशा में गवर्नमेंट स्पेंडिंग अलाउ की जा सकती है, यानी ऑलरेडी मार्केट में महंगाई है, क्या गवर्नमेंट को और पैसा मार्केट में डालना चाहिए। तो इन सम सिचुएशन इट इज परमिसेबल। कौन सी सिचुएशन है, तो अब हम लॉजिकली क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान दें, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है दिस इज अप्रोच इज ऑफन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ऐसी इन्फ्लेशन जहां पे डिमांड ज्यादा है, विच अकर्स ओनली एग्रीगेट डिमांड एक्सीड अवेलेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो गुड्स एंड सर्विसेज से, यानी जो हमारी एडी है वो एएस से आगे है, एग्रीगेट डिमांड हमारी ज्यादा है। ऐसे में सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, हम स्टिमुलेटिंग सप्लाई को क्लियर करने के लिए हम इन्फ्लेशन को बढ़ा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा सकते हैं, नॉट इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट माइट ऑप्ट फॉर द इंक्रीज इन स्पेंडिंग टू एड्रेस इन्फ्लेशन। एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी डिडक्टेड इन टू द प्रोजेक्ट इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि एक्सेस डिमांड को मीट आउट किया जा सके। एंड सेकेंड ऑप्शन में आप देखें, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है जॉब क्रिएशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो न्यू जॉब क्रिएट करे, तो न्यू जॉब का क्रिएशन कैसे होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो डिमांड फॉर गुड्स आएगी, डिमांड फॉर गुड्स आएगी, और गुड्स की जब डिमांड आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम करेंगे और इम्प्लॉयमेंट की ओर जाएंगे, और जब इम्प्लॉयमेंट की ओर जाएंगे तो हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी। इनकम जनरेट हो जाएगी तो वो न्यू डिमांड को क्रिएट कर देगी, और जब न्यू डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो फिर से हमारी सप्लाई साइड आ जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर सकती है। सो इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन बी जनरेटेड इंप्लॉयमेंट एंड इनकम स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। व्हेन कंज्यूमर हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, जो कि यहां पर हो रही है, दे टेंड टू स्पेंड मोर, हेयर बाय बूस्टिंग डिमांड। दिस नीड्स टू मैनेज केयरफुली, जिससे कि अलायंस होना चाहिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी एग्जैबरेटिंग इन्फ्लेशन में ना जाए, प्रोजेक्ट जिससे एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन ना आए। अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाई इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे कि यू शेप होता क्या है। इसे मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं, इसको पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं आपको, सो दैट आप अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकें। तो आप सब ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप देखते हैं प्रोडक्शन फर्स्टली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड देन बिगेन टू फॉलो। फर्स्ट ये पॉइंट आपका है, सेकेंड ये पॉइंट आपका है, और इसके बाद ये फॉल करता है। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है। इसके ही रिलेशन में यहां पर हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कुछ इस शेप में आता है, और इसे हम एवीसी कर्व कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते, वेरिएबल कॉस्ट, या एसी कह सकते हैं, एसबीसी कह सकते हैं, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये कॉस्ट यहां से लगभग इस तरीके से बिलोंग करता है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन पहले यहां पर, ये यहां से लेकर के इस स्टेज तक, यहां तक फर्स्ट स्टेज रहती है, और इसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेज की कंडीशन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर इस स्टेज पर हमारी जो कंडीशन है, जहां पर हमारा प्रोडक्शन हाईएस्ट है वहां कॉस्ट लोएस्ट होती है, और इसी प्रोडक्शन के कारण, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप होता है। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारा यू शेप होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। अब हम पीछे की ओर देखते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, यू शेप ऑफ एसएसी कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इज डायरेक्टली ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सिंस इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो यहां पर आपको समझना है के इज ऑलवेज फिक्स्ड। के क्या है, कैपिटल है, एंड लेबर एल दैट इज फॉर मैनुअल वर्कर, ये हमारा यहां पे वेरिएबल होता है।
तो कैपिटल के साथ लेबर का जो कॉम्बिनेशन है वो जब डिफरेंट होता जाता है तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क करता है, और वो भी हमारा शॉर्ट रन में वर्क करता है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज करती है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज एंड लेटर ऑन द प्रोडक्शन स्टार्ट फॉलिंग रिजल्टिंग एवरेज कॉस्ट कर्व टू राइज अपवर्ड। यानी प्रोडक्शन जब हमारा राइज कर रहा है तो कॉस्ट फॉल करेगी, प्रोडक्शन जब फॉल करने लगेगा तो कॉस्ट राइज हो जाएगी। इसी कारण ये हमारा कर्व यू शेप कर्व होता है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लें, SRAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड निगेटिव रिटर्न होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन ऑफ द स्टेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस करती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, बट एट लीस्ट वन फिक्स फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। एज अ रिजल्ट हम बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, एक लेवल के बाद हमारा प्रोडक्शन फॉल करने लगता है। तो इसके कारण लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमें हमारा डेटा देखना होता है और हमारा कर्व यू शेप होता है SAC का। इसको आप SRAC भी कह सकते हैं, SRAC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या हमारा कुछ डेटा छूट रहा है शायद? यस, दिस पॉइंट इज मिसिंग। कैलकुलेट AC, ABC, AFC फ्रॉम द फॉलोइंग। और यहाँ पर डेटा दिया गया है, डेटा ये आपके सामने है। यहाँ पर कुछ चीजें उन्होंने बता दी कि TFC आपका 15 है, $15 है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे अगर 15 रुपीज मान सकते हैं या $15 मान सकते हैं तो क्या सीन आएगा? तो यहाँ पर हमें ये टेबल दी गई है और इस टेबल से हमें AC, ABC, AFC लानी है, और इसके लिए हमें TC, TVC, TFC कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर इस टेबल को आप देखें, यहाँ पर आपकी ये टेबल मैंने प्रिपेयर कर रखी है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तरीका देख लीजिए। यहाँ पर आपकी यूनिट प्रोडक्शन दी हुई है और ये हमारा TVC दिया हुआ है। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है एंड वेरिएबल कॉस्ट राइजेज ओनली इफ प्रोडक्शन इज देयर। सो जीरो लेवल पर जब हमारा प्रोडक्शन है तो हमारी TVC जीरो होती है, ये आप देख रहे होंगे। ऐसे समय में जो TFC है वो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। यानी एट दिस टाइम TFC इक्वल टू TC होता है। यानी अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है तो टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा, और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई इट विल बी 15 फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। नाउ TVC और TFC दो हमें जब मिल जाते हैं तो इन दोनों को प्लस करके हम TC को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जीरो 15 आ जाएगा, ये प्लस करके 25, ये प्लस करके 34, ये प्लस करके 44 और ये प्लस करके हमारा 55 आ जाएगा। अब हमारे पास TVC आ गया, TFC आ गया, TC आ गया, देख रहे हैं, TFC आ गया, TVC आ गया, TFC आ गया और TC आ गया, और ये हमारा क्वांटिटी दिया गया। इन सभी पे जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा TVC, जब हम TC को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा AC आ जाएगा, अगर हम TVC को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो AVC आ जाएगा, और TFC से क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे तो AFC आ जाएगा। सो इन दिस वे हम ये सारे कर्व, ये सारी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम टाइम कम होने के कारण अगले वीडियो को, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मोनोपोली कंडीशन। मोनोपोली क्या है? तो आपने पीछे देखा है, मोनोपोली ये दो वर्ड से बनती है, मोनो प्लस पोलस। मोनो मतलब होता है सिंगल और पोलस मतलब होता है सेलर। तो ऐसी मार्केट कंडीशन जहां पर ओनली वन सेलर है। अब वन सेलर है तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एंड इन दिस वे ये बंदा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग होल्ड कर रहा होगा। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दे रखा होगा कि आप ही केवल बेच पाओगे। इस कारण यहाँ पर कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती। इट मीन्स बिफोर फर्म कैन इंटर इन एन इंडस्ट्री, इट नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से इसको परमिशन चाहिए होती है। एंड लाइसेंसिंग इज यूज्ड, लाइसेंसिंग मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी। ओनली वन पर्सन विल सेल, ओनली वन पर्सन या वन फर्म विल हैव राइट टू प्रोड्यूस द थिंग्स। ये हमारी लाइसेंसिंग होती है। बाय नॉट ग्रांटिंग लाइसेंस टू न्यू फर्म, गवर्नमेंट एम्स एट टू अश्योर ओनली वन फर्म कैन ऑपरेट इन द मार्केट। एंड सेकेंड पॉइंट इज पेटेंट राइट। इफ स्पेशलिटी है, उस कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंडिया में आपका HCL है, ये हिंदुस्तान
HCL है ये कंप्यूटर के सेंस में है, और HAL है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जितना भी विमान से संबंधित काम होता है वो एक ही फर्म करती है, या जैसे ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी लाइसेंसिंग करती है। तो इस तरीके से ये पेटेंट राइट्स होते हैं, यहाँ पे बिग प्राइवेट कंपनीज होती हैं और ये रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी को एम करती हैं, जिसके कारण वहां पर न्यू टेक्नोलॉजी कोई एंट्री नहीं हो सकती। एज अ रिवार्ड देयर ओन रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड गवर्नमेंट ग्रांट देम पेटेंट राइट दैट नोबडी विल इंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट आर एरिया। सो दिस पीरियड इज नोन एज अ पेटेंट राइट, दैट्स व्हाई नो फर्म कैन इंटर इन टू मार्केट। आगे देख लेते हैं, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन मोनोपोली कॉम्पिटिशन। सो नाउ हम अब डिमांड कर्व की बात अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आप देखें कि एज कम्पेयर टू द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोलिस्ट पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल सेलर के लिए आता है। जहां पर हमारा सिंगल सेलर है, तो अगर सेलर सिंगल है इट मीन्स उसका नो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन नहीं है, और नो कॉम्पिटिशन है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो अलग अलग प्राइस ले सकता है एक ही चीज के लिए, और इसकी सप्लाई पे टोटल कंट्रोल होगा, टोटल कंट्रोल इन द सप्लाई। एज अ रिजल्ट ये किसी भी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक बिकॉज एग्जिस्टिंग ऑफ द राइवल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट। कहां पर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नई फर्म सब्सटीट्यूट बना रही है, इस कारण इलास्टिसिटी ऑफ सच कर्व विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड नंबर ऑफ द क्लोज सब्सटीट्यूट और द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर फॉर द डिफरेंट ब्रांड्स। If consumer are willing to buy another brands, it will be more elastic. Implication of more elastic demand curve is that under perfect monopolistic competition, a small change in the price of its product will change a large change in its demand. आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा इलेबोरेट लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज मोर इलास्टिक इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अंडर मोनोपोली एज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस। इस सप्लाई एंड प्राइस पर कंट्रोल होता है व्हाइल बायर डू नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट और ऑप्शन टू गुड बाय गुड फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप कहीं और से बाई नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स आर फाउंड हु कॉम्पीट विद वन अनदर टू गेट कस्टमर्स और द क्लाइंट। एज अ रिजल्ट वी सी टफ कॉम्पिटिशन इन क्वालिटी एंड प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर। कहां पर? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। सो लिटिल चेंज ऑफ द प्राइस एट लोअर साइड फर्म में अट्रैक्ट मैनी कस्टमर्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, एंड स्मॉल चेंज एट अ प्राइस लेवल एट हायर साइड मे अफेक्ट डिमांड एडवर्सली। डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम आ रहा है ये AR है और ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का डायग्राम डिमांड कर्व है, और जबकि मोनोपोली का डायग्राम ये MR वाला डायग्राम है। यहाँ पर आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यानी जहां पर फर्म ये प्राइस चार्ज कर रही है मोनोपोली में, वो कम क्वांटिटी देगा। कौन क्वांटिटी कम देगा? मोनोपोलिस्ट कम क्वांटिटी देगा, इसके कारण इसको हायर प्राइस मिल जाएगा। इतना प्राइस का कंट्रोल ये मोनोपोली के लिए है, और ये प्राइस बैंड मोनोपोली का तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली इज आपका मोर इलास्टिक हो जाएगा और वो इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका AR मोनोपोलिस्टिक का है, और ये जो MR है ये आपका मोनोपोली का है, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम AR इक्वल टू MR इक्वल टू P होता है, जो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक, ये इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिट हो जाता है, ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, और ये इलास्टिसिटी वेरी लेसर इक्वल टू लेस देन 0.1 0.50 और यू में से 0.25 होता है, लेसर देन 1 होता है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी एडवांस टू द क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दिस आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, इट विल गिव अस मोर स्ट्रेंथ टू ब्रिंग यू गुड कंटेंट। Question number 5, maximum profit implies that equilibrium position of a firm, but new equilibrium does not imply maximum profit of the firm. Justify this statement with the help of suitable diagram. So, यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि maximize profit वहीं पर होगा जहाँ पर equilibrium बनता है, but equilibrium हमेशा maximizing profit पे बनेगा ये बात confirm नहीं है, या ऐसा हमेशा होना संभव नहीं है। एग्जाम्पलीफाइड क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रॉफिट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, बट वी नो दैट इक्विलिब्रियम इज इटसेल्फ अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर इज इक्वल दिस कंडीशन एंड MR इक्वल टू MC इज फॉर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर के लिए पॉइंट होना चाहिए वो है डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल, बट प्रोड्यूसर के लिए MR इक्वल टू MC होना चाहिए, सो द प्रॉफिट ऑटोमेटिकली
implies equilibrium, but the equilibrium can be set on a small value even when poor is capable to purchase the goods at low price. For the producer, it will not be his profit because he is not getting maximum profit. So profit कहां पर मैक्सिमाइज होगा, इसके लिए जरूरी है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मैक्सिमम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक करे वहां पर जहां पर चीजें हों, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें दो कंडीशन केवल सेटिस्फाई करनी है, उसमें से MR इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग. सो वी कैन सी दिस विद अ डायग्राम, दिस वन हियर यू मे सी, दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो एवरेज कॉस्ट कर्व जहां पे मार्जिनल कॉस्ट को काट रही है, दिस विल बी आवर कॉस्ट, एंड प्रॉफिट यहां पर अगर आता है तो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा. लेकिन अगर हमारा प्राइस इसके नीचे है तो यहां पर जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम ना हो, यहां पर फर्म को लिटिल बिट लॉस हो रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर को नीचे मिल रहा है, कॉस्ट तो यहां पर होनी चाहिए. एक्चुअली यहां पर आएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा और इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां पर भी प्राइस क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि हमारा एसवीसी इसके नीचे होता है. जो फर्म होती है, फर्म की दो कॉस्ट होती है, फर्म को जो एएफसी है प्लस एवीसी है ये मिलकर के एसी बनाता है. अगर फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व प्राइस के इक्वल है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर हमारा एवरेज कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो रहा है लेकिन एएफसी से नीचे है, एएफसी हमारी जो है इसके ऊपर है, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है. ये शॉर्ट रन में फर्म लॉस कर रही होगी बट वो रिकवरी करेगी, और फर्म का चूंकि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है इसलिए फर्म कंटिन्यू करती है वर्क को. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट भी मैंने नोट किया है, इट इज सिचुएशन लो प्राइस प्रिवेलिंग मार्केट व्हेन फर्म इज कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट बट नॉट टोटल कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, एक्सप्लेनिंग द इनडिटर्मिनेंट कर्व इज एन ओलिगोपोली. तो इनडिटर्मिनेंट कर्व ओलिगोपोली को हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है, राइवलरी होती है मार्केट में लोगों के बीच में, यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म होती है और ये फर्म ओलिगोपोली में होती है तो ये कार्टेल बना लेती है, ये एग्रीमेंट कर लेती है प्राइस पर और प्रोडक्ट की सप्लाई पर, कितनी सप्लाई मार्केट में आएगी इस बात पर ये दोनों एग्री कर जाते हैं. तो इसके कारण आउटपुट और प्राइस डिसीजन हो जाता है. अंडर ओलिगोपोली डिमांड कर्व इज नाइदर स्ट्रेट लाइन नॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज अ किंक्ड, जिसे कि इनडिटर्मिनेंट कहते हैं और किंक महोदय ने इसे फाइंड आउट किया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ किंक्ड डिमांड कर्व. आगे देख लेते हैं, यहां पर आप देखिए इस डायग्राम में यहां से लेकर के यहां तक ये जो हमारा प्रोडक्शन है, इस तरफ फर्म जरा सा भी प्रोडक्शन ऊपर ले जाती है प्राइस को तो वो लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी लूज कर देगी, यानी इतनी क्वांटिटी का माइनस हो जाएगी. और अगर फर्म यहां से लेके यहां तक का प्राइस गिराती है, फर्म प्राइस को कम करती है तो अदर जो फर्म्स हैं वो भी प्राइस कम कर देंगी और बहुत छोटा सा अमाउंट गेन हो पाएगा. तो इस तरीके से प्राइस जो डिसाइड हो गया वही रहेगा, नाइदर फर्म कैन इंक्रीज प्राइस नॉर कैन डिक्रीज, इसमें नो प्रॉफिट होगा और यहां पर टोटल लॉस हो जाएगा. इस तरीके से ओलिगोपोली में फर्म किंड डिमांड कर्व को फॉलो करती है. अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां पर ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि प्राइस प्रिवेलिंग पी कहां पर है और चीजें कहां पर हैं. आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं रिव्यू करके, टाइम कम है मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा. What is meant by break even point? So it by a diagram. So a break even point is a point where firm makes normal profit. At this total revenue of total cost is equal. Profit are said to be normal when TR equal to TCR, AR equal to AC. Normal profit defined as the minimum return and producer expect his capital investment in the business. Normal profit is a part of total cost. अब इसके बाद हम डायग्राम को देखते हैं. ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम है. यहां पर इसके पहले देखिए, यहां पर ये एरिया लॉस का एरिया है और ये एरिया प्रॉफिट का एरिया है, बट ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर है ई पॉइंट पर, जहां पर टी आर इक्वल टू टी सी है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो रहा है. ये फर्स्ट टाइम है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ये फर्म का ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो एक डायग्राम आपका ये भी बनता है जो कि हमारी कॉस्ट को, ये हमारा टी आर होता है और जो कॉस्ट होती है वो इस तरीके से ऐसे चलती है, ये टीसी होती है. तो ये पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट होता है जिसे हम टीआर इक्वल टू टीसी कहते हैं, और ये हमारा फर्स्ट टाइम होता है, और यहां पर सेकेंड टाइम टीआर इक्वल टू टीसी हो रहा है और ये हमारा शट डाउन पॉइंट होता है. तो आई थिंक यू हैव क्लियर व्यू अबाउट दैट. तो इसी तरीके से जहां पर फर्स्ट टाइम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर होगा, पहली बार जब हमारी कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर होगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाउ कैन अ ओपन मार्केट ऑपरेशन हेल्प अस टू क्रब डिफ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी. अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओ एम ओ
जो हमारी बैंक करती है वो किस तरीके से होगा। तो इसको आप टॉपिक में देख सकते हैं कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है जिसमें कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट से बैंकिंग द्वारा होती है। इसको अभी डायग्राम से हम क्लियर करेंगे। बैंक कैन रिड्यूस द गैप ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज, मनी फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक एंड रेजेस इट्स लेंडिंग कैपेसिटी टू द कमर्शियल बैंक, देयरफॉर बैंक लेंड मोर, स्पेंडिंग राइजेस व्हिच रिड्यूसेस द डिफ्लेशनरी गैप। नाउ इन ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक के पास इन्फ्लुएंस होता है कि मनी सप्लाई को मैनेज कर सकती है। थ्रू ओएमओ सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल द सिक्योरिटी फ्रॉम ओपन मार्केट, व्हेन इट बाय दी सिक्योरिटी इट इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट सर्कुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। यहां पर When it sells security, it reduces money supply, leading to the higher interest rate. OMO is a key of monetary policy used for the inflation and stimulating economic growth. यहाँ पर आप चीज को समझने की कोशिश करें, यह है हमारी सेंट्रल बैंक। अब ये रिसेशन का पीरियड है, यानी मंदी है। क्या हो रहा है? मंदी है, डिफ्लेशन आया हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये सिक्योरिटीज बाई करेगी, और जब सिक्योरिटीज ये बाई करेगी तो मार्केट में मनी आएगा, और मार्केट से बैंक में आएगा, बैंक गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बैंक में आएगा, और बैंक से पब्लिक में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जब ये ऐसा काम करेगी तो सिक्योरिटीज अंदर की ओर आएंगी और मार्केट में बाय करेगी। जबकि यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है मनी ज्यादा है, यानी सप्लाई ऑफ मनी AS इज ग्रेटर देन AD, एग्रीगेट डिमांड ऑफ द मनी इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे में गवर्नमेंट पैसा खींचने की कोशिश करेगी, शक करेगी, यहाँ पर ये डियर मनी पॉलिसी लाएगी। डियर मनी पॉलिसी, पैसा प्यारा होगा इसको, और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, पैसे को अपनी तरफ लेगी और यहाँ पे सिक्योरिटीज को मार्केट में ऑफर कर देगी, और यहाँ पर ये सिक्योरिटीज अपने पास ले लेगी और ऑफर इधर करेगी। तो ओएमओ में अगर वो परचे इन्फ्लेशन है तो सिक्योरिटी वो बाय करेगी, सॉरी इन्फ्लेशन है तो सिक्योरिटी सेल करेगी, और अगर ये है तो यहाँ पर सिक्योरिटी बाय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन रुपीज इज अ लीगल टेंडर, इंडियन रुपीज एक लीगल टेंडर है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सो लीगल टेंडर रेफर्स द करेंसी दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और बैंक नोट, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एक्सेप्टेबल मीन सेटलिंग डेट ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी एक्सेप्टेबल बाय लॉ होना चाहिए। द गवर्नमेंट इश्यूज कॉइन्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011 व्हिच आर कंसीडर्ड एज अ लीगल टेंडर फॉर मेकिंग पेमेंट और सेटिंग द अकाउंट्स। इट इज प्रोवाइडेड दैट द कॉइन्स आर अनडैमेज्ड एंड मीट द प्रिस्क्राइब्ड वेट। प्रेजेंट लीगल टेंडर इन इंडिया, इंडिया में प्रेजेंट लीगल टेंडर में क्या है? सो करेंसी नोट, करेंसी नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज, डिनोमिनेशन ऑफ 5, 10, 20, 50, 100, 500 and 2000 हैज बीन करेंटली लॉन्च्ड एंड नाउ अडेज इट हैज बीन डिबार्ड अगेन फ्रॉम द सर्कुलेशन, इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। फर्दर मोर कॉइनेस 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, और अभी आपका डेनोमिनेटर ऑफ 20 and 100 and 50 रुपीज के भी कॉइन आए हुए हैं। सो दीज आर लीगल टेंडर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। डिस्क्राइब 4 फंक्शंस ऑफ मनी। सो मनी के फंक्शंस को बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, यू आर वेल नोन, मैं यहाँ पे लिटिल बिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है क्योंकि इट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाई ऑल एज अ ट्रांजेक्शन। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एवरी गुड्स और सर्विसेज आर वैल्यूड इन अ मनी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के लिए ये बेस करता है, एंड स्टोर ऑफ द वैल्यू, इट इज used for store of the value because if money is saved in a bank or in any account it will not lose its value in the due course of time, that's why these four functions are related to the money. Next point, how was deposit created by the bank or lending by the commercial bank, explain with the numerical example. So money created in the most money creation or credit creation is the most important function of commercial bank. It is the process of expansion credit through the derivative deposits. Money creation by the bank is determined by amount of initial deposit. This is known as a primary deposit. And the cash reserve ratio, this is known as a CRR, जो कि commercial bank को RBI के साथ maintain करना होता है. टोटल डिपॉजिट मनी का एक सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखते हैं, इसे हम सीआरआर कहते हैं। तो जितना भी अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसका एक एक्स परसेंट, जैसे सपोज दैट 100 रुपीज आया तो उसका एक्स परसेंट मान लेते हैं 10% सीआरआर है, सो 10 रुपीज हैज टू बी मेंटेन्ड इन अ डिपॉजिट फॉर्म विद आरबीआई। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एंड रेस्ट ऑफ द 90 रुपीज कैन बी यूज्ड एज अ लेंडिंग प्रोसेस। सो 100 रुपीज में अगर 10% का सीआरआर है तो जो डेरिवेटिव डिपॉजिट होगा 10 रुपए ये रिजर्व रखेगी और 90 रुपीज लेंडिंग के काम में आएगा, और ये फिर 90 रुपीज का 9 रुपीज रखेगी
81 लैंडिंग के उसमें आएगा। तो इस तरीके से पहले 90, फिर 100, फिर 90, फिर 81, ये हमारे एक प्रोसेस में आएंगे। सो दिस इंटायर फंक्शन इज टर्म्ड एज अ बैंक। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि सपोज इनिशियल डिपॉजिट बैंक का 1000 रुपी है, सीआरआर 10% है, तो बैंक फर्स्ट टाइम पे 10% का कैश डिपॉजिट रखेगी और 1900 को लोन पे दे देगी, और फिर 1900 के टर्म पे 90 रुपीज को रखेगी और $810 को वो फिर से एक्सटेंड कर देगी, जो कि लेटर ऑन शो किया गया है। और इस तरीके से करते करते एक फॉलोइंग टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर जैसे बीओबी फर्स्ट राउंड पे है, इसके पास 1000 रुपीज आता है, तो कैश रिजर्व 100 का रखेगी और 1900 का लैंड कर देगी, जो कि एसबीआई को जाएगा। अब एसबीआई के पास इनिशियल डिपॉजिट ये 1900 वाला आया हुआ है, तो ये 90 रुपए रोक लेगी और 810 रुपीज को ये लैंड कर देगी, जो कि एचडीएफसी को जाएगा थर्ड राउंड में। अब एचडीएफसी 810 के उसमें 81 को रोकेगी, 729 को दे देगी, एंड इन दिस वे ये टोटल डिपॉजिट हमारा 10000 का हो जाएगा, कैश रिजर्व 1000 हो जाएगा, जो कि इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट का ये वाला मनी एंड ये वाला मनी सेम हो जाएगा और ये हमारा क्रेडिट क्रिएटेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं और ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर दिखता है, क्योंकि ये हमारा जो प्रोसेस है ये मनी मल्टीप्लायर कहलाता है और ये 1-CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसको हम इस तरीके से 1/RR मल्टीप्लाई डेल्टा डी भी कहते हैं, इसको इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। सो यहाँ पर अगर हमारा जो रुपीज था वो 10% है, जैसे कि यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट में आपने देखा, तो ये अगर 1000 रुपी डिपॉजिट होता है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर साइड करके। ये देखिए 1-RR मल्टीप्लाई डेल्टा डी हमारा फॉर्मूला होता है, और आपको पता है हमने एग्जाम्पल में 1000 रुपीज लिया हुआ है, तो RR हमारा 10% है, तो ऐसे समय में 10% ये जो है ये इसको डिवाइडेड 100 कर लेंगे और यहाँ पर 1000 यहाँ आ जाएगा, ये हमारा 100 इस तरफ आ जाएगा और 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10000 हो जाएगा। सो इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10000, सो 9000 विल बी क्रेडिट क्रिएटेड, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेगमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द लेवल एंड इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है इसको देखें, तो सेविंग मींस स्टोरिंग मनी फॉर द सेफ्टी पर्पस, सो दैट व्हेन नीड्स मनी इट इज अवेलेबल फॉर हिम। इन्वेस्टमेंट मींस putting money into some financial instrument like bonds, shares, etc. to grow money over the time. Saving and investment approach, F equal to I approach, used to determine the equilibrium of income, output and employment in economy. यहाँ पे determination करते हैं कैसे होगा, तो in Keynesian theory, it is stated that the equilibrium situation will be usually expressed in the aggregate term of the AD equal to AS. However, equilibrium can be also determined while saving is equal to investment. So, AD equal to AS must be there and at the same time S must be equal to I. Saving must be equal to investment and aggregate demand must be equal to aggregate supply. Let us explain this. This is our more explained way. This is first type of equilibrium. और यह जो AD है वो consumption plus investment पे आती है, जो कि consumption and saving भी है, यानी AD का जो full है वो C equal to I है एंड ए एस का जो है वो सी इक्वल टू एस है, एंड इन दिस वे सी इक्वल टू आई एंड सी इक्वल टू एस आर ऑल्सो शुड बी इक्वल, एंड दैट्स वाई यहाँ पर सी सी कैंसिल हो जाता है एंड एस इक्वल टू आई हो जाता है। सो इसके लिए अजम्पशन हमारी हैं, इनको आप देख सकते हैं, टाइम कम है, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दे पाऊंगा। और लास्ट लेटली अब हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेबल है, इस टेबल को ढंग से देखें, यहाँ पर मनी सप्लाई दी गई है जो कि हमारा ए एस है, और यहाँ पर ये कंजम्पशन दिया गया है, ये हमारी सेविंग दी गई है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास शुरुआत में जीरो लेवल ऑफ इन्वेस्ट इनकम है, इवन देन सम कंजम्पशन विल बी देयर, दैट विल बी नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड एट दिस पॉइंट सेविंग विल बी -30 बिकॉज इनकम जीरो है, कंजम्पशन हमारा हो रहा है, तो ये हमारी सेविंग को माइनस करेगा, एंड एट दिस टाइम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल बी 30। सो टोटल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड आई मस्ट बी इक्वल टू एस, यानी यहाँ पर सी प्लस आई मस्ट बी इक्वल टू एस, ये चीज देखनी है। 50 है, अब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा 70, सेविंग माइनस 20, ये हम
हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा ऑटोनोमस है। और ये ऐसे करते करते जब हम देखें 200 पर हम आते हैं, तो 200 में यहाँ पे हमारा कंज्यूमशन 170 होता है, 30 हमारी सेविंग होती है, ये 200 हो गया। यहाँ पर देखिए एक ये हमारा ए एस इक्वल टू ए डी हो गया, और यहाँ पर ये जो हमारी सेविंग है ये हमारे इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई। सो यहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है एंड इन दिस वे वी हैव डिसाइडेड टू फाइंड इन्वेस्टमेंट। आगे है देख लेते हैं, इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो कि आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस जगह पर यहाँ इक्विलिब्रियम उसी जगह पर आया है जहां पर AD इक्वल टू AS है एंड एट द सेम टाइम S इक्वल टू I शुड बी ऑल्सो इक्वल। नाउ वी गो टू द डायग्राम सेक्शन। डायग्राम सेक्शन में देखिए यहाँ पर अगर आप इसे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूरी चीजें क्लियर होती हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट, ये हमारी इनकम है। अब सप्लाई जो है वो हमारी ये है जो कि AS है, और इसको जो हमारा कंज्यूमशन कर्व है वो ये काट रहा है। यहाँ पर जब हमारा पॉइंट आता है तो ये पहला पॉइंट आता है हमारा, और ये पॉइंट जो होता है ये पॉइंट हमारी सेविंग के साथ, यहाँ पर C इक्वल टू आई है, एक C यहाँ से आना चाहिए था और वो C ये पॉइंट बनाता है। अब यहाँ पर S इक्वल टू आई आया है तो जहां पर हमारा सेविंग एक्स्ट्रा हुआ है इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट काटता है, यही इन्वेस्टमेंट उठ करके हमारे इस जगह पर आया है, यानी यही पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जो C प्लस आई दिखाता है। यहाँ पर ये सी पॉइंट है। अब ए प्लस आई का जो कंडीशन है ये पॉइंट हमारा AS इक्वल टू AD है ई पॉइंट पर, एंड इसी पॉइंट पर हमारा S इक्वल टू आई है सेकेंड पॉइंट पर। तो इस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होना चाहिए एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑब्लिक एग्रीगेट डिमांड भी इक्वल होना चाहिए। सो इन दिस वे हम S इक्वल टू आई को भी फाइंड आउट करते हैं एंड AD इक्वल टू AS को भी फाइंड आउट करते हैं। सो हियर वी फिनिश्ड द सेक्शन सेकेंड ऑफ इकोनॉमिक्स स्पेसिमेन पेपर। आई होप वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। इफ इट इज काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अप टू मोस्ट। थैंक्स फॉर